कोरोना काल में बचे बियर का स्टॉक खपाने के लिए राज्य सरकार का एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। इसमें 6 महीने से अधिक पुराने हो चुकी बियर को बेचने का वक्त 3 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि निर्धारित अवधि के बाद बियर में जहरीले तत्व पैदा होने लगते हैं। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने बियर कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में एक्सपायर हो चुकी बियर को बेचने की तैयारी कर ली है। सरकार ने बियर की एक्सपायरी डेट 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी है। प्रदेश में 31 मार्च से पहले की बनी हुई बियर की करीब 4 लाख पेटियां रखी हैं, जो इस आदेश के बाद अगले 3 महीने तक बिक्री योग्य हो जाएंगी। जबकि अभी तक आबकारी नियमों के मुताबिक 6 महीने से ज्यादा पुरानी बियर को हानिकारक मानते हुए उसकी बिक्री पर प्रतिबंध है। दारू जितनी पुरानी होती है उतनी इसकी डिमांड बढ़ती है, और ये अच्छी होती है, बढ़िया होती है क्वालिटी पीने में, और बियर एक्सपायर हो जाती है 6 महीनों की मंथ होती है इसकी, उसके 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाती है, खराब हो जाती है, कीड़े पड़ने लग जाते हैं उसके अंदर। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने 20 अगस्त को इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सारी जिम्मेदारी ब्रुअरी इकाइयों पर डाल दी है। कंपनियों को 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च तक बनी बियर की जांच रासायनिक प्रयोगशाला में अपने खर्चे पर कराना होगा। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि अगर इसके पीने से कोई विवाद या स्वास्थ्य संबंधी घटना होती है, उसका सारा दायित्व निर्माता और सप्लायर का होगा। यहाँ ये बात बता दें कि 6 महीने बाद बियर के कंपोनेंट चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जो पीने पर हानिकारक हो सकते हैं। अच्छा, शराब लंबे समय तक खराब नहीं होती है, बहुत अरसे तक रखी जा सकती है, और बियर वो जो है अस्थायी कंजर जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, उनकी वजह से उसमें फंगस आ जाता है कई दफे, और खराब होने के पूरी खराब हो जाती है। बहरहाल जिस कंपनी ने बियर को बनाया है उन्होंने ही 6 महीने तक पीने योग्य माना है। सरकार किस आधार पर उसके खराब होने की अवधि को 3 महीने बढ़ा रही है? क्या ये फैसला लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं है? दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।